नमस्कार। देखो ये फूड कार्ट है, ये फूड कार्ट फुल साइज वाला है, 4 फीट चौड़े वाला और 8 फीट लंबे वाला है, पूरा पैक बॉडी वाला फूड कार्ट है। और ये फूड कार्ट हमारे यहाँ से बीजापुर गुजरात से देवभूमि द्वारका के लिए ट्रांसपोर्टेशन कराना है। पार्टी का एड्रेस है जय द्वारकाधीश नाश्ता सेंटर। पार्टी का नाम है अल्पेश भाई तन्ना, फेमस दाल पकवान पोहा और भुंगरा बटाका। तो ये फूड कार्ट अल्पेश भाई तन्ना के लिए जय द्वारकाधीश नाश्ता सेंटर के लिए हमारे यहाँ से देवभूमि द्वारका गुजरात के लिए ट्रांसपोर्ट होगी। तो वैसे पार्टी की ऑर्डर से रिक्वायरमेंट से हमारे यहाँ सभी तरह की फूड कार्ट का भी काम होता है। बाइक से चलने वाली फूड कार्ट हो, ये टाइप की एक ही जगह खड़ा रख के यूज़ करना है, वो टाइप की भी फूड कार्ट बनती है। देखो ये फूड कार्ट, इसमें अंदर की ओर फुल स्टोरेज एरिया है, एलपीजी सिलेंडर रखने के लिए डिब्बी है, ये दो ड्रॉवर है कैश के लिए, और ये ऊपर का काउंटर है, ऊपर की ओर भी फुल स्टोरेज एरिया है। तो वैसे ये फूड कार्ट के चारों शटल खुले हैं अभी, पर साइड में आगे पीछे तीनों ओर फोल्डिंग पार्टीशन भी है, खड़े रह के खाने के लिए यूज करना है तो ये पार्टीशन सीधा चैन से फिक्स भी रख सकते हैं और नीचे भी हो जाते हैं। देखो ये फूड कार्ट का पूरा रिव्यू दिखाता हूँ। तो वैसे आगे पीछे साइड में पार्टीशन है। देखो ये आगे वाला जो टन है, तो वो टन अभी अंदर की ओर करके रखा है ताकि ये फूड कार्ट को एक ही जगह रख के यूज़ करना है। तो वैसे ये फूड कार्ट में ये दो गेट है, तो ये गेट लॉक भी होते हैं और खुलते भी हैं। देखो ये लॉक खोल के ये गेट को खोल के ये अंदर की ओर फुल स्टोरेज एरिया है, ये एलपीजी सिलेंडर रखने के लिए डिप है और अंदर की ओर पार्टीशन भी है, फुल स्टोरेज एरिया है। और ये दो ड्रॉवर है, चाबी से लॉक होते हैं और खुलते हैं। तो वैसे ये फूड कार्ट अभी कम्प्लीटली खुला है, तो ये फूड कार्ट को पैक करके दिखाते हैं। देखो ये फूड कार्ट को पहले लेंथ में
साइड वाला जो मेन शटल है साइड वाला वो बंद करना पड़ता है। स्टॉपर से अंदर से लॉक हो जाएगा। बाद में आगे पीछे वाले दो शटल बंद हो गए। और ये मेन शटल लॉक होगा। तो वैसे अभी जो ये स्टॉपर से लॉक किया है तो ये दोनों साइड स्टॉपर है और ये 200 के डी है, इसमें लॉक भी कर सकते हैं दोनों साइड। और नीचे वाला हाल ड्रॉप बंद करके वह भी लॉक कर सकते हैं। देखो ये आगे पीछे वाले फोल्डिंग पार्टीशन वो भी नीचे की ओर हो जाएंगे। तो ये फूड कार्ट कंप्लीटली पैक हो गया। और ये फूड कार्ट को कहीं भी जगह इधर उधर ले जाना है तो ये जो नीचे वाला टन है वो बाहर निकाल के घुमा भी सकते हैं। और वैसे एक ही जगह फिक्स रखना है तो ये टन जो अभी है नीचे की ओर वैसे भी रख सकते हैं। देखो ये टन बाहर आ गया और घुमा भी सकते हैं। देखो ऐसे पकड़ के कहीं भी जगह इधर उधर ले जाना है तो भी ले जा सकते हैं। ये आगे वाला दो पहिया मूवेबल है, टन भी होता है, पूरा राउंड में घूमता है तो वैसे कंप्लीटली टर्न भी हो जाएगा। तो वैसे ये फूड कार्ट को घुमा भी सकते हैं। कोई छोटा बड़ा व्हीकल है तो इसके पीछे अटैच करके भी घुमा सकते हैं। और ये एक ही जगह खड़ा रखना है। तो वैसे ये टन अभी जो नीचे की ओर किया वैसे भी रख सकते हैं। तो ये फूड कार्ट को फिर से एक बार खोल के दिखाते हैं। देखो ये मेन शटल खोलना पड़ता है पहले। दोनों आगे पीछे भी खुल जाएगा शटल।
और ये साइड वाला मेन भी खुल गया, और ये होल्डिंग पार्टीशन भी फिक्स हो गए। तो ये फूड कार्ट कंप्लीटली ओपन हो गया। तो ये फूड कार्ट का कम्प्लीटली रिव्यू दे दिया। तो ये फूड कार्ट को हमारे यहाँ से विजयपुर गुजरात से देवभूमि द्वारका के लिए ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी तरह के अलग अलग टाइप के कई फूड कार्ट के वीडियो भी है, वो भी देख सकते हैं। इस पर कई फूड कार्ट हमारे यहाँ से महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, MP, आंध्र, तेलंगाना, गुजरात में भी भेजे हैं। तो वैसे सभी वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें कई फूड कार्ट बाइक से चलते हुए भी कई वीडियो हैं, और सभी तरह के अलग अलग टाइप पे साइज वाले, डिज़ाइन वाले भी कई फूड कार्ट हैं। तो वैसे यूट्यूब चैनल पे सभी वीडियो भी देख सकते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ सभी तरह की बाइक, ट्रॉली, चार पहिया वाली, दो पहिया वाली, चलती फिरती दुकान, फूड कार्ट, पावर टिलर की ब्रेक वाली ट्रॉली, सभी तरह की ट्रॉली का काम होता है, और ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई भी होता है। तो वैसे सभी तरह के अलग अलग टाइप के कई वीडियो यूट्यूब चैनल पे है, तो वैसे सभी वीडियो भी देख सकते हैं। देखो ये सभी अलग अलग टाइप की बाइक ट्रॉली है। ये भी सब बाइक ट्रॉली है। देखो ये फूड कार्ट कम्प्लीटली पैक हो गई है, और ये द्वारका गुजरात के लिए ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो वैसे सभी तरह की जो फूड कार्ट होती है वो ऐसे कम्प्लीटली पैक करके भेजते हैं, किसी भी तरह का कोई डैमेज होने का भी प्रॉब्लम नहीं रहता। देखो ये फूड कार्ट को ये क्रेन से उठा के ये गाड़ी में लोड करेंगे। तो वैसे सब काम होता है।
तो ये फूड कार्ट गाड़ी में लोड हो गया। ये फूड कार्ट गाड़ी में कंप्लीट लोड हो गया। तो ये हमारे यहाँ से बीजापुर गुजरात से देवभूमि द्वारका गुजरात के लिए ट्रांसपोर्ट होगी।